दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की 10 ऐसी फिल्मों के बारे में जानने वाले हैं जिनको बनाने का बजट अब तक सबसे ज्यादा रहा है। हम ज्यादातर न्यूज और मीडिया के माध्यम से यही जान पाते हैं कि किसी फिल्म ने कितनी कमाई की, जबकि ये जानना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उस फिल्म को बनाने में कितना और कहां कहां पर खर्च किया गया था, क्योंकि पहले के मुकाबले आज की फिल्मों को बनाने में खर्च काफी ज्यादा होता है। और आज की इस वीडियो में भी हम 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको बनाने में सबसे ज्यादा लागत लगी थी। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी मूवी के बजट में हर उस छोटी बड़ी चीज के खर्च को जोड़ा जाता है जो उस मूवी को बनाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक में खर्च होता है। फिर चाहे आप बात करें एक्टर, एक्ट्रेस और को एक्टर्स की फीस की, या फिर वीडियो एडिटर, कैमरामैन और बैक एंड में काम करने वाले लोगों की, हर इन सभी चीजों के अलावा मूवी के प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च को भी मूवी के बजट में ही जोड़ा जाता है। इसी के साथ लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर जो फिल्म है वो है धूम 3। दोस्तों 2013 में रिलीज हुई धूम 3 एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था विजय कृष्ण आचार्य ने और फिल्म के प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। मूवी में बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार्स आमिर खान, कैटरीना कैफ और अभिषेक बच्चन लीड रोल्स में नजर आए थे और साथ ही फिल्म में जैकी श्रॉफ का भी एक छोटा सा रोल था। प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को मिलाकर 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 590 करोड़ रुपयों की कमाई की और इसी के साथ भारतीय सिनेमा में 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। और जैसा कि पूरी फिल्म में काफी अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले, इसके चलते इसकी विजुअल इफेक्ट्स टीम को फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था और इसके साथ ही फिल्म ने उस वर्ष कई और अवार्ड्स भी जीते थे। नंबर 9 पोजीशन पर है बाहुबली द बिगिनिंग। 2015 में रिलीज हुई बाहुबली जो कि SS राजामौली के निर्देशन में बनी थी और इसे प्रोड्यूस किया था शोभू यरलगुड्डा और प्रसाद देवीनेनी ने। फिल्म में प्रभास, राणा रघुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया लीड रोल्स में नजर आए। सभी एक्टर्स ने स्क्रीन पर शानदार एक्टिंग करी और इसके साथ ही बेहतरीन VFX इफेक्ट्स ने फिल्म में जान डाल दी। 180 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी को जब रिलीज किया गया तो इस फिल्म ने उस समय के अनेकों रिकॉर्ड्स तोड़े और कई नए रिकॉर्ड्स बनाए थे, जैसे कि ये उस वक्त तक की सबसे ज्यादा बजट वाली इंडियन फिल्म थी, भारतीय सिनेमा और साउथ सिनेमा की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इसके साथ ही उस वर्ष ये फिल्म दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि फिल्म में VFX इफेक्ट्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी जिसके लिए फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के अवार्ड से भी नवाजा गया था और डायरेक्टर SS राजामौली को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। और इसके साथ ही फिल्म ने अपनी ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस भी छोड़ा था जो कि था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और इस सस्पेंस के रिस्पॉन्स में उन्होंने बाहुबली 2 को बनाया था। और दोस्तों बाहुबली 2 भी आज की इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल है, पर वह कौन सी पोजीशन पर है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों इसी तरीके से नंबर 8 पोजीशन पर जो फिल्म है वो है जीरो। जीरो जो कि 2018 में रिलीज हुई थी जिसमें बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान लीड एक्टर थे और उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ लीड एक्ट्रेसेस के तौर पर फिल्म में नजर आई थी। जीरो एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी जिसको लिखा था हिमांशु शर्मा ने और डायरेक्ट किया था आनंद एल राय ने। फिल्म को 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 186 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अब तक शाहरुख खान के करियर की सबसे हाई बजट वाली फिल्म थी और इसके साथ ही एक्ट्रेस श्रीदेवी को भी इस फिल्म में आखिरी बार देखा गया था क्योंकि इस फिल्म के कुछ समय के बाद ही उनका देहांत हो गया था। हालांकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन शाहरुख खान को अपनी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर और कैटरीना कैफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया था। आपने वो इंग्लिश में कहावत तो सुनी होगी कि इफ यू आर गुड एट एनीथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, तो फिर लूडो फ्री में क्यों खेलना। आज ही डाउनलोड करें लूडो सिंह जो कि आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, तो अब आप लूडो खेल के पैसे भी कमा सकते हैं। खेलते खेलते पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कहीं नहीं मिलेगा। ये गेम सिर्फ आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दो लिंक दी गई हैं, एक एंड्रॉइड और एक iOS के लिए, तो अभी डाउनलोड करें और जीतें 8000 तक और जीते हुए पैसे सीधा पेटीएम में ट्रांसफर करें।
डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। हैप्पी प्लेइंग, हैप्पी अर्निंग। नंबर 7 पोजीशन पर है मूवी सियरा। 2019 में रिलीज हुई तेलुगु सिनेमा की ये मूवी सियरा, जिसमें चिरंजीवी बतौर लीड एक्टर नजर आते हैं, तो उनके साथ साथ तमन्ना, नयनतारा, सुदीप, जगदीप बाबू और विजय सेतुपति भी सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर पर फिल्म में शानदार भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। और इसके साथ ही मूवी में अमिताभ बच्चन और अनुष्का शेट्टी का भी गेस्ट अपीयरेंस होता है। फिल्म की कहानी बेस्ड है आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा जगह के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर। सियरा को करीब 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। फिल्म को हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 240 करोड़ रुपयों की कमाई भी करी थी। नंबर 6 पोजीशन पर है फिल्म टाइगर जिंदा है। दोस्तों 2017 में रिलीज हुई मूवी टाइगर जिंदा है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने। मूवी में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर नजर आए थे। एक तरीके से फिल्म 2012 में बनी मूवी एक था टाइगर का सेकेंड पार्ट थी। 210 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 565 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और इसी के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। मूवी को बेस्ट एक्शन सीन्स के लिए फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन से भी नवाजा गया था। नंबर 5 पर है मूवी पद्मावत। 2018 में रिलीज हुई मूवी पद्मावत, जो कि काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी रही थी, लेकिन उसके बाद भी कमर्शियली काफी ज्यादा हिट रही मूवी में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह जैसे बेहतरीन एक्टर्स ने लीड कैरेक्टर्स प्ले किए और मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। 215 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल किया और करीब 585 करोड़ रुपयों का कलेक्शन भी किया। फिल्म में रणवीर सिंह के अलाउद्दीन खिलजी वाले कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया गया। शायद यही एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि वह एक नेगेटिव कैरेक्टर को भी इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि ऑडियंस उन्हें उसमें भी पसंद करने लग जाती है। पद्मावत 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रही और इसके साथ ही फिल्म को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था विजय कृष्ण आचार्य और प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आए थे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख। 220 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 335 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। फिल्म में एक्टर अमिताभ बच्चन और आमिर खान की एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा और साथ ही में डायरेक्टर आचार्य को उनके स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। साथ ही ये फिल्म पहले और दूसरे दिन में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी थी। दोस्तों आज की टॉप 10 लिस्ट में तीसरी पोजिशन पर जो फिल्म है वो है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे कि फिल्म मेकर्स को बाहुबली 2 बहुत जल्दी बनानी पड़ी और 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी। 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड करीब 1810 करोड़ रुपयों की कमाई करी थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए कितनी ज्यादा उत्सुक थी और इसके साथ ही फिल्म ने भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा के जगत में अनेकों रिकॉर्ड्स भी बनाए, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं। भारतीय सिनेमा की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, भारतीय सिनेमा जगत की पहली ऐसी फिल्म जिसने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई करी, वो भी केवल 10 दिनों में। दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और ऐसे ही अनेकों रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने अपने नाम दर्ज कराए। उसके साथ ही फिल्म के लीड एक्टर प्रभास, जो कि बाहुबली मूवी के आने के बाद से ही काफी बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन बाहुबली 2 के बाद से उनके फैंस की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई और अब उनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैल गई। इसी के साथ आइए जान लेते हैं बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा बजट में बनाई गई मूवी के बारे में, जिसका नाम है साहो। 2019 में रिलीज हुई मूवी साहो, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किया था सुजीत ने। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर फिर से नजर आए प्रभास।
और उनके साथ लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाती हुई नजर आई श्रद्धा कपूर। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज किया गया था। 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 433 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया। फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाई, जिस वजह से काफी कम रेटिंग मिली। हालांकि फिल्म के कुछ गाने काफी ज्यादा हिट भी रहे थे। और दोस्तों, इसी के साथ इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा बजट में बनी फिल्म का नाम है रोबोट 2.0। दोस्तों, 2018 में रिलीज हुई रोबोट 2.0 जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी थी, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ साथ एमी जैक्सन भी नजर आई थी। मूवी में दिखाया गया था कि किस तरीके से फोन रडार्स पक्षियों के जीवन का खतरा बनी हुई हैं। फिल्म में सोशल मैसेज को काफी अच्छे तरीके से डिलीवर किया गया है। साथ ही में काफी अच्छे एक्शन सीन्स और VFX का इस्तेमाल आपको मूवी में देखने को मिलता है। 570 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 800 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और उसके साथ ही ये मूवी हिट साबित हुई। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को और रजनीकांत और अक्षय कुमार की एक्टिंग को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इसके साथ ही ये मूवी इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।